पैसा कहाँ बात छोटका है ना छोटका नमस्कार, आप लाइव सीरीज देख रहे हैं। मैं हूँ गरिमा भारती। अभी अभी वीडियो शुरू होने से पहले आपने जो झलक देखी वो झलक अनंत सिंह और रीतलाल यादव की है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिरकार इन दोनों के बीच में ये क्या हो रहा है, इतने हंसते मुस्कुराते हुए नजर क्यों आ रहे हैं। तो हम आपको पूरा वाकया बताते हैं कि आखिरकार हुआ क्या। आपको पता होगा कि कल यानी कि 4 अप्रैल को ही बिहार विधान परिषद की 24 सीटों के लिए वोटिंग हुई। काफी पहले से गहमा गहमी चल रही थी कि कौन सी सीट किसे मिलने वाली है, और जब सीट तय हो गई तो उम्मीदवार कौन होगा, और अब ये चर्चा चल रही है कि जीतेगा कौन, क्योंकि 7 अप्रैल को नतीजे निकल कर आने हैं। और बात जब आरजेडी की करते हैं और पटना स्थानीय प्राधिकार की करते हैं, तो यहां पर आरजेडी की तरफ से कार्तिक मास्टर को उम्मीदवार बनाया गया था। उन्होंने चुनाव लड़ा, वोटिंग कल हो गई है, और रीतलाल यादव और अनंत सिंह सब आरजेडी में है, आपको पता होगा। और कार्तिक मास्टर के ऊपर अनंत सिंह का विशेषकर हाथ माना जाता है, उनके सर के ऊपर उनका हाथ माना जाता है। तो इसी बात की जानकारी रीतलाल यादव अनंत सिंह को दे रहे थे कि हम तो पटना से जीत ही रहे हैं, और इस तरह की बातें चल रही थी, हंसी खुशी दोनों लोग बातें कर रहे थे। तो रीतलाल यादव ने यह कह दिया कि जीत तो रही है, लेकिन इस खुशी में क्या उपहार देना चाहते हैं। तभी अनंत सिंह ने बिना देर किए हुए ही अपने गले से चेन खोलकर रीतलाल यादव को देना चाहा। यही वीडियो जो है वो आपने देखा। एक बार फिर से आप वीडियो देखिए जिसमें अनंत सिंह और रीतलाल यादव नजर आ रहे हैं। पैसा कहाँ बात कौन छोटका है ना छोटे तो आपने वो वीडियो देखा। लंबे समय के बाद अनंत सिंह नजर आ रहे हो और इतने हंसते खेलते हुए नजर आ रहे हैं। आपको पता होगा कि अनंत सिंह इन दिनों जेल में हैं और पेशी के लिए पहुंचे हुए थे कोर्ट के भीतर। उसके बाद की ये तस्वीरें हैं जहां पर उनके परिजन जो है वो उनसे मुलाकात भी करते हैं, और रीतलाल यादव इसी कड़ी में मुलाकात करने के लिए पहुंचे। और जब दो राजनेताओं के बीच में मुलाकात होती है तो आपको पता है कि इन तमाम बातों पर चर्चा होती है। और फिलहाल बिहार की राजनीति में बिहार विधान परिषद का चुनाव जो है वो हॉट टॉपिक बना हुआ है, खास करके अब काउंटिंग को लेकर और जो फैसला होगा उसको लेकर बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है कि क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है। रीतलाल यादव अपनी तरफ से पूरी तरह से कंफर्म है कि ये जो फैसला है वोटों का वो उनके पक्ष में ही आने वाला है, पटना स्थानीय प्राधिकार का। इसलिए वो अनंत सिंह को खुशखबरी दे रहे थे, बता रहे थे कि कार्तिक मास्टर ही यहां से जीतने वाले हैं, ऐसा रीतलाल यादव समझ रहे हैं। उनकी जो कैलकुलेशन है, उनका मैथ्स है पॉलिटिक्स को लेकर, वो उन्हें ये संकेत दे रहा है। लेकिन अंततः 7 अप्रैल को ही पता चलेगा कि कौन से स्थानीय प्राधिकार से कौन जीत कर आ रहा है, कौन सी पार्टी के नेता जीत कर आ रहे हैं। लेकिन फिलहाल अनंत सिंह और रीतलाल यादव खुशी मनाते हुए नजर आ रहे हैं। कार्तिक मास्टर को अनंत सिंह का काफी करीबी बताया जाता है, वो एक दूसरे के काफी करीब माने जाते हैं, कहा जाता है कि सर पर हाथ है। तो अनंत सिंह को खुशी भी काफी हो रही है कि कार्तिक मास्टर के जीतने की संभावनाएं ज्यादा है। इसी खुशी में उन्होंने रीतलाल यादव से इस तरह से बात की और देखा कि कैसे वो उन्हें उपहार देने के लिए तुरंत ही तैयार हो गए थे। लाइव सिटीज के साथ आप बने रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, साथ ही साथ हमें ट्विटर पर जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।